सलमान खान को जब आप फिल्म में लेते हैं सुल्तान और ये, क्या अप्रोच है? कभी ऐसे बैठ के वो बोर्ड पे आप बनाते हैं क्या कि इतना एक्शन कराना है और ये रोमांस भी है, इसका इतना कॉम्पोजिशन, इतना कंपोनेंट होना चाहिए, क्या सोच होती है? नहीं, एक्चुअली देखिए, ये सर के साथ मेरी दूसरी फिल्म है और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अब आई थिंक कि काफ़ी चीज़ कॉमन होती जा रही है कि स्टोरी जो है वो फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमेशा पहले भी था। अब मतलब अंकल से, सलीम अंकल से हमारी हमेशा बात होती रहती है और वो हमेशा यही बोलते हैं कि देखो, हमने सिर्फ कहानियाँ लिखी और वो कहानियाँ जो हैं वो फिल्म से ज़्यादा ज़िंदा रहती हैं, यू नो। और भाई के साथ जब भी मेरी सुल्तान को लेके बात हुई या टाइगर जिंदा है को लेके बात हुई, इनका जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो ये है कि जब ऑडियंस थिएटर छोड़ेगा तो वो किस चीज़ को लेके घर जाएगा। और हमारा जो मेन मुद्दा था इस फिल्म के अंदर वो यही था कि जो कहानी हम लोगों तक कहना चाहते हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे में जानी चाहिए। मतलब एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, गाने, ये तो एक माध्यम है लोगों को एंटरटेन करने का, बट व्हाट डू इवेंचुअली ऑडियंस लीव द फिल्म विद, यू नो। सुल्तान के अंदर वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, उस आदमी की अपनी लड़ाई थी। टाइगर जिंदा है के अंदर वो एक ग्लोबल लेवल की लड़ाई है, एक मतलब एक टुगेदरनेस के लिए, एक भाईचारे की लड़ाई है कि भाई अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को साथ को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, हम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ख़तरा बढ़ता जा रहा है। एंड ऑल दोज थिंग्स, आई थिंक व्हेन यू से कि क्या चीज़ है, क्या कोई फार्मूला है, आई थिंक फार्मूला कुछ नहीं है, लेकिन वक्त, जिस वक्त में जो कहानी इम्पॉर्टेंट है अगर आप वो कहानी कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस तक जाती है और फिर लोग उसे सराहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और फिर जिस हिसाब की मेहनत गई फिल्म में वो दिखता है। मतलब वो एक एक नूर है जो कि है, मतलब एंड यू कांट गेट इट। मैंने जब पहली बार सुल्तान एक सिंगल स्क्रीन थिएटर में देखी या टाइगर देखी, इट्स लाइक व्हेन ही कम्स ऑन स्क्रीन, इट्स लाइक ऑडियंस टॉक टू हिम एज इफ ही इज़ देयर लाइव। वो बहुत कम सुपरस्टार्स के साथ होता है और आई थिंक वो एक डिवाइन कनेक्ट है और उसको जब सही तरह से कहानी पुश करती है, परफॉर्मेंस पुश करती है, देन इट गेट्स इनहेंस। लेकिन आई थिंक हम में से कोई भी, मतलब हम जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारी फिल्म अच्छा करें। कोई वक्त जब उस टाइम होता है तो आदमी सिर्फ मेहनत कर सकता है। आई थिंक रियल टेस्ट तो ऑडियंस के साथ होता है और आई थिंक जब इतना सब कुछ हो गया है, एज पीपल ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी वी कैन ओनली थैंक द ऑडियंस, यू नो। और वही चीज़ होती है और प्रेशर बढ़ता है। मतलब आज सर और मैं अगर दोबारा दूसरी फिल्म करेंगे तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। कटरीना के साथ अब मैं काम करूँगा तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी उसको लेकर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं।